हेलो फ्रेंड, जी एस एम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास अभी मोटो ऑफ एक्स फोर है मॉडल नंबर। इसमें एफ आर भी लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड से आगे नहीं जाता। तो यहाँ पे जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया तो वेरीफाई पासवर्ड पूछता है, या तो फिर आप यूज़ माई गूगल अकाउंट, जो पहले इसमें गूगल आईडी था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक जाना है। मेन स्क्रीन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, यहाँ पे हिंदी भाषा सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर होल्ड करके रखना है। आपको ऐसे तीन ऑप्शन मिलेगा, फिर भाषा सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पे हिंदी भाषा पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करना है, सहायता और फीडबैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइप करना है मोर्स कोड वाला। अगर गेस्ट टस्ट विथ वॉइस एक्सेस पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे यूट्यूब नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बैक जाना है। यहाँ पे टाइप करना है मोड्स, यूज मोड्स कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिंक ओपन शो होगी, तो क्लिक करना है यहाँ पे नॉट नाउ, ड्रैग करके बंद कर देना है। यूज़र आइकन पे क्लिक करना है, शर्त और नीति पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है बिटली FRP AP, लिंक टाइप करना है। ये लिंक मैं वीडियो स्क्रीन पे रख दूँगा, तो आप देख के टाइप कर सकते हैं। गो पे क्लिक करना है। एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करना है, ओके ओपन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल कर देना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल मेनू ओपन हो जाएगा। क्रोम ओपन करना है, फिर अपनी साइट ओपन हो जाएगी। तो आपको गूगल अकाउंट मैनेजर 6 डाउनलोड करना है। अगर फ़ोन में एंड्रॉयड 9 है तो 6 डाउनलोड करना है, अगर 8 है तो गूगल अकाउंट मैनेजर 8 डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं, डन। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन जीमेल साइन इन वाली बाईपास वाली एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ओपन पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो एनेबल कर देना है, सॉरी ऐड कर लेना है ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करके, ओके। यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो ऐड कर लेना है। साइन इन पे क्लिक करना है, फिर हो गया। बैक जाना है, मेन स्क्रीन में आ जाना है, फिर सेटिंग में जाना है, मेनू में जाके क्लोज।
ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी यहाँ पे एक बार डिसेबल एनेबल कर देना है, हो गया। लोकेशन एनेबल कर देना है, यस। तो दोनों काम हो गए। अब कंप्यूटर में जाते हैं। यहाँ पे जीमेल आईडी ओपन करना है। जो मोबाइल में जीमेल आईडी है वो इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, सिक्योरिटी में जाना है, ये वाली सिक्योरिटी। नीचे आना है, यहाँ पे फाइंड अ लॉस्ट डिवाइस पे क्लिक करना है। मोटो X4 जो मॉडल है उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। यहाँ पे लॉक योर फोन पे क्लिक करके यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक हो गया फोन। फिर यहाँ पे नीचे कंसीडर इरेज योर डिवाइस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन लॉक हो गया है। यहाँ पे इरेज पे क्लिक करके यस इरेज पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्ट्री फोन हो गया है। थोड़ा वेट करें। फ़ोन चालू हो गया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्किप, ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देना है। उसके बाद वाईफाई के साथ फ़ोन कनेक्ट कर देना है।
यहाँ पे 4x0 दे देना है हमने जो दिया था वो। स्किप बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह आप FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।